नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते दिनों दिल्ली में G20 समिट का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आयोजन का हिस्सा बने और इसके बाद बिहार को एक बड़ा फायदा होते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से मिलने के बाद केंद्र सरकार का बिहार के लिए अपना खजाना खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए 1942 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने की पुष्टि पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार ने अनुदान के रूप में कुल 3,844 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होनी है। इस अनुशंसित राशि में केंद्र सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में 1942 करोड़ रुपए की राशि पंचायती राज विभाग के खाते में पहुँच गई है। अब पंचायती राज विभाग शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायती यानी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के खाते में राशि आवंटित करेगा। ये सब कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को दिए गए भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद संभव हुआ है। इसीलिए इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश को 15 मिनट से ज्यादा का समय दिया था, उनका बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, साथ ही उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिलवाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद सियासी गलियारों में कई तरीके के अटकलें लगाए जा रहे हैं। कई तरीके की अब बातें शुरू हो गई हैं कि क्या कुछ फायदा अब बिहार को इस मुलाकात के बाद हो सकता है। अब क्या कुछ फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राज्य को होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।